हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका फ्रेंड अबूज़र। आज हम सिनोनिम क्विज़ का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट देखा था। हर वीडियोस में हमने 10-10 क्विज़ देखे थे, इसमें भी आज हम 10 क्विज़ देखेंगे, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जिससे आपकी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी उसको देखते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जवाब के लिए, उसके बाद उसका जवाब बताया जाएगा। अगर आप 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी जो वोकेबलरी है बहुत अच्छी है, अगर उससे कम है तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, 31 देखते हैं। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस के माने रोग का निदान करना, या जिसको हम कहते हैं रोग का लक्षण मालूम करना, यानी पहले से जो आपको बीमारी है उसके बारे में पता लगाना, उसको कहते हैं प्रोग्नोसिस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है डायग्नोसिस, दूसरा फोरकास्ट, तीसरा प्रीफेस, चौथा आइडेंटिटी। इसका जो आंसर होगा पहला डायग्नोसिस। डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों के माने सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 वाला। पोच, पोच के माने हैं शिकार, चुराने के माने में आते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला है कैच, दूसरा हंट, तीसरा प्रीच, चौथा प्लंडर। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हंट। हंट के माने शिकार करना, पोच के माने में भी आता है, ठीक है। दोनों के माने लगभग सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपार्टी। रिपार्टी के माने हैं हाजिर जवाबी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रिफ्यूज़, सेलिब्रेट, क्विक विटी रिप्लाई, चौथा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो तीसरा सी वाला हो जाएगा, क्विक विटी रिप्लाई हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं। एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट के माने होता है प्रेरित करना यानी उभारना किसी चीज़ को, या कहते हैं परामर्श देना यानी मशवरा वगैरह देना, उसको भी एग्जॉल्ट करते हैं। और भी कई मीनिंग इसके हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रिकमेंड, कोक्स, अर्ज, पुश, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ज। अर्ज और एग्जॉल्ट दोनों के माने सेम ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 वाला। ल्यूरिड, ल्यूरिड के माने होता है भयंकर। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हैप्पी, अबंडेंट, ब्राइट, शॉकिंग, आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसका जो ऑप्शन रहेगा डी वाला सही हो जाएगा, शॉकिंग। शॉकिंग और ल्यूरिड दोनों के लगभग मीनिंग सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैमिलियर, फैमिलियर के माने होता है परिचित, आपको बताना इसमें 4 ऑप्शन दिया वो कौन सा सही है। वेल नोन, फैमिलियर, रिलेटिव, कॉमन। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, वेल नोन और फैमिलियर दोनों के माने परिचित के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं जो खाने के बाद मीठा वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला वेस्टलैंड, उसके बाद अबंडन, स्वीट डिश, ब्रॉड, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वीट डिश और डेजर्ट दोनों के माने सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिलिएट। एफिलिएट के माने सहबद्ध के माने में आता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कंट्रोल, एसोसिएट, कॉपी, डिस्क्रिमिनेट, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन रहेगा बी, एसोसिएट सही हो जाएगा। एसोसिएट और एफिलिएट दोनों के माने सहबद्ध, यानी दोनों के माने रिलेशन के आते हैं, किसी से ताल्लुक होने के माने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाला। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट के माने होते अस्पष्ट, साफ तौर पे के माने में आते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ। क्लियर, ऑब्वियस, कॉशियस, एग्जॉर्बिटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, क्लियर, यानी अस्पष्ट रूप से, साफ तौर पर, एक्सप्लिसिट के माने में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
डिलीजेंट, डिलीजेंट के माने होता है मेहनती। इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से इसमें सही है। इसका जो ऑप्शन डी वाला वो सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस के माने मेहनती, परिश्रमी जिसको हम कहते हैं हिंदी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।